दोस्तों घर पर मेहमान आ रहे हो या त्योहार का दिन हो, कुछ स्पेशल नाश्ता होना चाहिए ना, और ऐसी चीजों खाकर सब खुश हो जाए, जल्दी बन जाए। हम बनाएंगे दही फुलकी जो भल्लों की तरह होगी, साथ में आलू पनीर की सब्जी। मेहमान आ रहे हैं ना, खाली आलू नहीं पनीर भी खिला देते हैं उन्हें। साथ में बनाएंगे मीठी मीठी फिरनी, जल्दी बनेगी, डिलीशियस बनेगी, एक दिन पहले भी बना सकते हैं। और साथ में होंगी अचारी पूड़ियाँ, जी हाँ, बेडमी पूड़ी, इससे भी डिलीशियस और उससे कई गुना आसान ये रेसिपी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ, हम फिरनी बना रहे हैं, आप एक दिन पहले भी बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, आप चावल नहीं, कोई भी राइस आप खाते हैं, मोटा पतला बासमती कैसा भी, आप 2 बड़े चम्मच भर के आप चावल भिगो दीजिए। चावल को मैं आधा कप पानी में अच्छे से धोने के बाद भिगो कर रख दूंगी, और आधा घंटा भिगो कर रखूंगी। और दूध भी चाहिए, 1 लीटर से 1.25 लीटर दूध में हम ये रेसिपी बना सकते हैं। चावल दोस्तों मैंने भिगो दिए हैं आधा कप पानी में, और आधा घंटा जब तक भीगेंगे तब तक हम दूध को पकने के लिए रख देते हैं गैस पर। आधा घंटा एक तरफ चावल भीगते रहेंगे, दूसरी तरफ गैस पर दूध रिड्यूस होता रहेगा, तो हमारा टाइम सेव होगा। तो चलिए ये भीग रहा है, एक तरफ मैं दूध चढ़ा देती हूँ भगोने में। भारी तले का बर्तन लें और उसमें डालें दूध, और दूध पहले से ही उबला हुआ होना चाहिए। आप कच्चे दूध से ना ही रेसिपी बनाएं, क्योंकि कच्चा दूध क्या होता है, तले पर चिपकता है। तो पहले से उबला हुआ दूध है, और मैं 1 लीटर या फिर 5 कप दूध आप नाप कर डाल लीजिए पैन में। तो ये जी मैंने 5वां कप भी दूध का ऐड कर दिया। अब मैं बॉयल आने का इंतजार करूंगी, जब बॉयल आएगा गैस को कम कर देंगे या मीडियम कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अभी मैं उबाल आने का इंतजार कर रही हूँ। दूध में उबाल आ गया है, अब आप क्या करें, आंच को मीडियम कर दीजिए या फिर कम कर दीजिए, कि दूध कड़ता तो रहे लेकिन उबल कर बाहर नहीं आना चाहिए। अब दूध पक रहा है, आप इसमें फ्लेवर्स के लिए केसर ऐड कर सकते हैं। मैं इलायची के साथ बना रही हूँ, तो थोड़ी इलायची को पीस कर इसमें ऐड करेंगे। इलायची के दोस्तों छिलके नहीं, दाने ऐड करेंगे। देखिए मैंने 2 इलायचियां जो हैं अच्छे से पीस लिया, उसके दाने निकाल कर, और मैं ऐड कर रही हूँ दाने पिसे हुए। जब भी हम कोई मीठी चीज़ बनाते हैं तो उसमें इलायची का फ्लेवर स्पेशली दूध से बनने वाली मिठाई में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इलायची ऐड करें, जब दूध थोड़ा पक रहा हो साथ ही इलायची भी ऐड कर दीजिए। चीनी ऐड करेंगे, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। मैं इसमें 3/4 कप यानी आधा कप से थोड़ी ज़्यादा और 1 कप से थोड़ी कम चीनी ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। अब दूध को हम अच्छे से पकाएंगे, आप और भी काम निपटा सकते हैं, साथ में आटा गूंद सकते हैं। और मैं चावल भी दोस्तों आधे घंटे से भीग गए हैं बहुत अच्छे से, आप देख रहे हैं कढ़ी इसकी जो है चावल की अच्छे से भीग गई है। तो पीस लेते हैं इन्हें, इस मिक्सर जार में आप इसे डालिए और इसे अच्छे से बिल्कुल फाइन पीस लीजिए। इस तरह से चावल और पानी का देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है, और चावल क्या होता है भारी होने की वजह से तले पे बैठ जाते हैं। जब आप ये इस तरह से पीस के रखें और इसे दूध में जब ऐड करना हो ना, तो हिलाते हुए इसे ऐड कीजिए, ताकि चावल और पानी दोनों अच्छे से मिक्स होकर पकते हुए दूध में मिक्स हो जाए। तो देखिए दूध बहुत देर से पक रहा था, अब मैं चावल भी इसमें जो पीस कर हमने रखे हैं वो ऐड कर देती हूँ, और दूध आप देख रहे हैं रिड्यूस हो गया। अभी चावल हमने पीस कर इसमें ऐड किए हैं, पर चावल कच्चे हैं, जैसे जैसे चावल गलते जाएंगे वैसे वैसे दूध गाढ़ा होता जाएगा और जमता जाएगा। तो आप देख रहे हैं अब इसे बस चलाइए, ऐसा ना हो तले पर चावल बैठ जाए और हमारी फिरनी जल जाए। अभी देख रहे हैं आप, अच्छे से चावल मैं मिक्स कर रही हूँ, लगातार चला रही हूँ, नहीं तो सारी मेहनत खराब जाएगी और जल जाएगा सब कुछ। बस आप चलाते रहिए इसे, चलाते चलाते पकाते रहिए, और चावल भी कुछ ही देर में पक जाएंगे। देखिए जैसे ही चावल पक जाते हैं, इस प्रोसेस में 5 से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। आप देख रहे हैं बिल्कुल करछी पर भी दिख रहा है हमें कि चावल के दाने गल रहे हैं। बस 10 मिनट लगे, हमने लगातार मिक्स किया, और हमारी फिरनी के लिए ये चावल को जो हमने दूध के साथ पका लिया बिल्कुल बनकर रेडी हो गया। गैस को कर देते हैं बंद, मैंने गैस भी बंद कर दी है। और अब दोस्तों इसे हम बर्तन में नहीं रखा छोड़ देंगे, देखिए गाढ़ा मिक्सचर जो फिरनी का रेडी है, अगर हम इसे बर्तन में ही रख देंगे तो इसी में ही सेट हो जाएगी। तो आप जिस भी वॉल में या कटोरी में सर्व करना चाहते हैं, अभी गर्मा गर्मी ऐड कीजिए, ऊपर गार्निशिंग करनी होगी। तो मैं इसे कटोरी में निकाल लेती हूँ, मैंने इस कटोरी में सर्व करना है। आप ऐसे ऐसे बनाकर, जितनी कटोरियाँ आपने बनानी है बनाकर इनमें आप सेट कर सकते हैं फिरनी, नहीं तो आप बड़ी डिश में भी कर सकते हैं पुडिंग की तरह सेट। और कोई भी स्वीट डिश हो बिना नट्स के तो अधूरी है, इसके ऊपर आप पिस्ते से, काजू कतरन से या कैसे भी गार्निश कीजिए। और मेरे पास थोड़ा सा केसर रखा है, तो वो भी थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। तो देखिए फिरनी तो हमारी रेडी हो गई है, थाली की एक डिश हमारी रेडी है जो हमने बनानी है अपने त्यौहार पर। इसे हम रख देते हैं फ्रिज में, जब ये थोड़ी रूम टेम्परेचर पे जाएगी तो मैं फ्रिज में रख दूंगी, और ये ठंडी ठंडी से सर्व करेंगे। अगली रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं पूड़ियों के लिए आटा लगा रही हूँ, तो अब चलिए उसकी तैयारी करते हैं। हम बना रहे हैं अचारी पूड़ी। अचारी पूड़ी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इसमें अचार का मसाला ऐड करूंगी,
मैंने लिया 2 कप नॉर्मल आटा, रोटी वाला आटा अपना गेहूं का, और साथ में आधा कप सूजी लिया, थोड़ी क्रिस्पी और अच्छी बनती पूड़ियाँ। ज़्यादा नहीं आई करना चाहते तो बिना सूजी के भी बना सकते हैं। तो इतनी आपने क्वांटिटी में लेनी है दोनों चीज़ें। अब आपके पास जो भी पुराना अचार रखा हुआ है, आम का अचार है, तो और भी बेहतर बात है, क्योंकि उसमें सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी और बहुत से मसाले होते हैं जो कि बेडमी पूरी जैसा स्वाद देते हैं। अचारी पूरी हमारी बहुत डिलीशियस रहती है। पुराने अचार का मसाला निकाली, हमें आटे में और कुछ नहीं मिक्स करना पड़ेगा, ना तेल ना और कोई मसाला। हम ये बस 2 बड़े चम्मच या 2 छोटे चम्मच, अकॉर्डिंगली आप कितना आटा है, जैसे 2 कप में 2 टीस्पून काफ़ी रहेगा तो ये ऐड करेंगे। अभी आपको नमक भी ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अचार के मसाले में नमक भी है। तो पहले दोनों आटों को मिक्स कीजिए और इसमें ऐड कीजिए अचार का मसाला। तो मेरे पास 2.5 कप के करीब है, तो मैंने आप देख सकते हैं 1 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून के करीब मैंने अचार का मसाला ऐड किया। अगर आप ऊपर से और मसाले डालेंगे तो तीखा हो जाएगा और फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। और हम पानी ऐड करेंगे, नॉर्मल पानी लेना है, और थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए हमने आटा गूंद लेना है, जैसे पूड़ियों के लिए होता है, थोड़ा सॉफ्ट भी होता है और फर्म भी होता है। आटा देखिए गूंद लिया मैंने, अच्छे से मल लिया है। अब मैं इसे एक तरफ रख दूंगी और बाकी तैयारी करूंगी, क्योंकि हमने सूजी ऐड की है। वैसे जब भी हम आटा गूंदें, स्पेशली सूजी ऐड की हो, तो आटे को आधे घंटे तो हमें रेस्ट कराना ही चाहिए। तो अब आटे को हम रख देते हैं, हम बाकी तैयारी कर लेते हैं, इसे ढककर रख देते हैं। अगली रेसिपी है दोस्तों दही फुल्की। ये बेसन के दही भल्ले हैं, बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही टेस्टी भी होते हैं। अगर आपका दही भल्ले नहीं बनाने का मन है, दाल भिगोने पीसने का मन नहीं है, तो आप ये दही की फुल्की बना सकते हैं। इसके लिए मैं 2 कप बेसन ले रही हूँ, आपने जितनी बनानी है अकॉर्डिंगली ले लीजिए बेसन। और बेसन में हम फ्लेवर्स के लिए ऐड करेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ा हरा धनिया और थोड़ी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और सिर्फ नमक ऐड करेंगे सीजनिंग में। हम ऊपर से लाल मिर्च या कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, बस आप अब इसे मिक्स कीजिए और पानी डालकर एक गाढ़ा सा बैटर बना लीजिए। मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स करूंगी, बीट करते हुए, कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, हमें फ्लफी अच्छी फुल्कियाँ बनानी है। तो पानी ऐड करते हुए आप इसका इस तरह से देखिए कितना अच्छा स्मूथ फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का मैंने थिक बैटर बना लिया, जैसे पकौड़ों के लिए बनाते हैं। तो ये हमारा बैटर रेडी है, लेकिन इसे और फ्लफी और अच्छा करने के लिए, ताकि हमारी फुल्कियाँ बहुत ही हल्की फुल्की रहें, मैं इसमें मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा या सोडा बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, वो ऐड कर रही हूँ। तो आप बेकिंग सोडा कितना ऐड करेंगे, 2 से 3 पिंच बहुत रहेगा। तो ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा ऐड किया है, और जब आप मीठा सोडा ऐड करते हैं तो हल्के हाथ से मिक्स कर लीजिए और इसे एक तरफ रख दीजिए। तो देखिए फुल्कियों के लिए रेडी हो गया हमारा बैटर। अब हम दही को फेंट लेते हैं, फिर हम फुल्कियाँ फ्राई करेंगे। ताज़ा मीठा दही लेंगे, उसे फेंट लेंगे, और दोस्तों दही गाढ़ा नहीं होना चाहिए। देखिए अभी मैं फेंट रही हूँ और मुझे दही काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसे पानी ऐड करूँगी। इसमें खूब सारा पानी ऐड कीजिए और इसे पतला सा बना लीजिए, क्योंकि जब हम इसे फुल्की ऐड करेंगे ना, तो काफ़ी सारा वो रस खींच लेंगे और दही बिल्कुल सख्त हो जाएगी। तो आप पतला एकदम दही रखें। दही अच्छे से बीट हो गया, लेकिन अभी ये प्लेन है, तो इसमें कुछ सीजनिंग करते हैं। डालेंगे नमक और लाल मिर्च, लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कीजिए, तीखा नहीं रखना है, बस थोड़ा कलर अच्छा आता है, और सॉल्ट भी ऐड कीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हरा धनिया भी ऐड करेंगे, रिफ्रेशिंग सी चीज़ है ना, इसमें धनिया से और फ्रेशनेस आएगी। मैं इसमें चाट मसाला ऐड करूंगी 1 टीस्पून, जो कि और किसी मसाले की ऐड की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, बस आप 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। हमारी फुल्की के लिए दही जो है एब्सोल्युटली रेडी हो जाएगा। तो चलिए फुल्कियाँ फ्राई करते हैं। गर्म कीजिए तेल, जैसे पकौड़े तलते हैं वैसे ही फुल्कियाँ फ्राई कीजिए। आप जैसे जैसे इसे तेल में डालते जाएंगे ये फूलती जाएंगी, बस आप इन्हें खूब सारा एक साथ फ्राई कीजिए मीडियम फ्लेम पर। फुल्कियों को अच्छे से फ्राई कीजिए, पहले मीडियम फ्लेम पर, फिर बाद में आप तेज़ भी कर सकते हैं। दोस्तों इन्हें कच्चा ना रखिएगा, नहीं तो ये बाद में सख्त हो जाती हैं। देखिए क्रिस्पी सी बड़ी अच्छी फुलफुली फुल्कियाँ जो है बन के रेडी है, इन्हें मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। और हमारा मसालों वाला दही भी बिल्कुल रेडी है, और ये गर्मा गर्म फुल्कियाँ जैसे आप प्लेट में निकालें, इन्हें आप इसी दही में ऐड कर दें, थोड़ी गर्म है, इन्हें गर्मी ऐड करना है, ताकि अभी ये सारा रस दही का सोख लेंगे और बहुत फ्लफी और बहुत लाइट हो जाएंगी। तो बस अभी इन्हें सोख करके रखना होगा हमें थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट काफ़ी है। क्योंकि अच्छे से दही सोख कर लें और फ्लेवरफुल और जूसी हो जाए, तो इन्हें मैं 10 मिनट के लिए ढक कर रख रही हूँ। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं, हमारी फुल्कियाँ बिल्कुल बनकर रेडी हैं। अभी इन्हें सर्व यूँ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक तड़का लगाया जाता है जीरे का, तो चलिए जीरे का छौंका मारते हैं और फिर इसे सर्व करते हैं ठंडा ठंडा। आप देख सकते हैं बहुत लाइट और फ्लफी, हाथ लगाते ही टूट रही है, और फर्म भी है और फ्लफी भी है। तड़के के लिए दोस्तों सिर्फ थोड़ा सा तेल लें और उसमें डालें हरी मिर्चें, हरी मिर्चें चटक रही हैं, साथ ही इसमें जीरा ऐड करें, आप चाहें तो हींग भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही जीरा हो जाए ब्राउन, कड़कड़ाने लगे, और इसे आप पोर कर दें,
इस तड़के को फुलकी के ऊपर। ये जी फटाफट से हमारे इंस्टेंट दही भल्ले, बेसन के दही भल्ले बिल्कुल बन के रेडी हैं। ना हमें दाल भिगोनी पड़ी, ना पीसनी पड़ी, फटाफट हमने, घर पर गेस्ट आए ना तो बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। अब अगली रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों मैं बना रही हूँ आलू पनीर की सब्जी, जो कि बहुत ही डिलीशियस है। इसके लिए दोस्तों हमें उबले हुए आलू चाहिए। आलू उबाल लीजिए, 8-9 जितने आपको अकॉर्डिंगली सब्जी के लिए चाहिए। थोड़े से आलू को मैश कर लीजिए, थोड़ों को काट लीजिए। तो देखिए मैंने 3 आलू क्या है अच्छे से मैश कर लिए ताकि ग्रेवी बन जाए, और बाकी काट लिए। मसाला बनाएंगे हम टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा रहता है आलू की सब्जी में, पर इन्हें आप मिक्सी में पीस कर फिर ऐड करें ताकि ग्रेवी बहुत ही क्रीमी और अच्छी रहे। आप इस तरह से रफली चॉप करके टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को पीस लीजिए। साथ ही हमें थोड़ा पनीर चाहिए दोस्तों, कुछ गेस्ट आ रहे हैं ना त्यौहार वाला दिन है, खाली आलू खिला के नहीं भेजेंगे ना, उसमें थोड़ा पनीर तल के ऐड कर देते हैं। पनीर के क्यूब्स काट लीजिए। आलू की सब्जी की जान ये मसाले हम जरूर ऐड करेंगे, जो है धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, थोड़ी कसूरी मेथी, जीरा और हींग है। इनसे क्या है आलू की सब्जी का स्वाद और बेहतर हो जाता है। आप कढ़ाई चढ़ाइए, उसमें डालिए तेल, और तेल मैंने थोड़ा ज्यादा इसलिए लिया क्योंकि मैं इसी तेल में पहले पनीर फ्राई करूंगी और बचे हुए तेल में फिर मैं सब्जी बना लूंगी। तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए और फिर इसमें पनीर फ्राई कीजिए। तो पनीर तो दोस्तों फटाफट से फ्राई हो गया, लेकिन इसे फ्राइड पनीर को अगर मैं यूं ही प्लेट में निकाल लूंगी तो ड्राई हो जाएगा। आप पनीर को जब भी तलें किसी भी रेसिपी में तो उसे पानी में सोक कर लें, फ्राई किए हुए पनीर को पानी में थोड़ा नमक मिला लें ताकि पनीर सॉफ्ट एंड सॉल्टी दोनों रहे। अब दोस्तों बचे हुए तेल में मैंने डाली कसूरी मेथी, जीरा और हींग। अब बस 1 मिनट की देर है, हम बाकी मसाले डालेंगे। और तेल गर्म था, 1 मिनट में फटाफट से जीरा फ्राई हो गया, और अब मैंने इसमें जो हमने टमाटर पीस के रखे थे वो पेस्ट भी ऐड कर दिया है। अच्छे से दोस्तों सारा टमाटर का पेस्ट थोड़ा पानी के साथ भी मिक्स कीजिए और फटाफट से ऐड कर दीजिए और इसे भूनिए। टमाटर भून रहे हैं तो मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, जो है धनिया पाउडर जो 1 बड़ा चम्मच है, 2 छोटे चम्मच मैंने आमचूर पाउडर डाला है। आमचूर पाउडर और धनिया पाउडर से क्या है कि आलू की सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू, फ्लेवर और एक ग्रेवी में आ जाता है। और अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा नमक जितना आपको अच्छा लगता है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हल्दी मैं थोड़ी कम ऐड करूंगी ताकि सब्जी का कलर है ना थोड़ा सा येलोइश ना रहे, थोड़ा रेडिश रहे, तो मैंने आधा टीस्पून ही हल्दी ऐड की है। 3 से 4 मिनट में देखिए टमाटर भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। पके मसाले में हम ऐड करेंगे आलू। आलू हमारे उबले हुए हैं, मसाला हमारा पका हुआ है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस इन्हें भूनना है 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं चाहे तो। देखिए आलू की सब्जी पक गई है, आप ग्रेवी अपनी अकॉर्डिंगली जितना पानी ऐड करना चाहें, मैं तो गाढ़ी ही रख रही हूँ क्योंकि पूड़ी के साथ क्या है थिक सब्जी अच्छी रहेगी। तो ये तला हुआ पनीर भी ऐड कर देते हैं, हमने अभी हरा धनिया ऐड किया था और साथ ही पनीर के क्यूब्स जो मैंने फ्राई करके रखे थे पानी में से निकाल कर ऐड कर रही हूँ। इन्हें हम मिक्स करते हैं। पनीर को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 से 4 मिनट हमने ग्रेवी में दम देना है। हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है, इतनी आसान सब्जी है, तो इसे भी सर्व कर देते हैं। तो देखिए डिलीशियस सी आलू पनीर की सब्जी, जो कि कभी भी किसी भी मौके पर आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो बनकर रेडी है, सब तैयारी हो गई है। तो चलिए अब जब आप सब चीज़ें पहले बना लेंगे तो पूड़ियाँ भी निकाल लेते हैं। देखिए पूड़ी मैंने बेल ली, आप इसमें सौंफ, कलौंजी, मेथरे सब देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कितने डिलीशियस होने वाली है। तो चलिए इसे गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए छोटा टुकड़ा आटे का डाला है जो एकदम तैर कर ऊपर आ गया, यानी कि हमारा तेल बिल्कुल गर्म है। आँच को थोड़ा सा कम करते हैं और हम पूड़ियाँ निकाल लेते हैं। दोस्तों पूड़ियाँ कई फ्लफी नहीं बनेंगी क्योंकि हमने इसमें मसाले साबुत डाले हैं, तो जिस वजह से अगर नहीं भी फ्लफी बनेगी तो हमारी कचौड़ी जैसी पूड़ी जो है खाने में बहुत डिलीशियस होने वाली है। तो लीजिए पहली पूड़ी तो बनकर रेडी है, आप गर्मा गर्म बनाइए और गर्मा गर्म ही खिलाइए। तो हमारी कचौड़ी जैसी क्रिस्पी क्रिस्पी अचारी पूड़ियाँ जो हैं बनकर रेडी हैं, आप इनका मजा कभी भी ले सकते हैं, कितनी आसान है ना। तो हमारी पूड़ियाँ भी दोस्तों गर्मा गर्म रेडी हैं, तो हमारी थाली सजाने में देर किस बात की है। तो लीजिए दोस्तों त्यौहार की स्पेशल थाली आपके लिए बनके रेडी है, जिसमें आसान से भल्ले जी है, दही फुल्की, साथ में आलू पनीर की बहुत ही डिलीशियस सब्जी जो कि किसी भी मटर पनीर की सब्जी को मात दे सकती है, और साथ में ठंडी ठंडी फिरनी, ये मैंने पहले ही बनाकर फ्रिज में ठंडी कर ली थी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और इन गर्मा गर्म पूड़ियों का कहना है क्या, मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको ये रेसिपीज के आइडियाज आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आप इन्हें जरूर बनाएंगे भी। देखिए फुल्की कितनी लाइट और फ्लफी बनी है, सॉफ्ट है एकदम।
और ये आलू पनीर की सब्जी दोस्तों सबको पसंद आएगी, आपके मेहमान तो क्या घर पर बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। तो दोस्तों अब इतनी डिलीशियस रेसिपीज, इतनी डिलीशियस थाली मेरे पास बन के रेडी, और मैं टेस्ट ना करूँ ऐसे चली जाऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक बाइट तो बनती है और वाकई बहुत ही अच्छी लगती, खुशबू बहुत अच्छी आ रही पूड़ियों में से, क्योंकि उसमें मसाला सौंफ और बहुत खुशबू, और बहुत ही डिलीशियस बनी, आप जरूर बनाए। तो दोस्तों अगली बार फिर मिलूंगी नई नई रेसिपीज लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए, अच्छा सोचिए, खुश रहिए, और मीठा तो जरूर बनता है, मीठा भी बनाकर खाया कीजिए, डाइटिंग कभी कभी चलती है, रोज रोज थोड़ी। मेरी रेसिपीज देखने, उन्हें पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको रेसिपीज अच्छी लगी हैं प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर कीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।